नमस्कार, NNI 24 के विशेष न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबर बहराइच से है। जी हाँ, बहराइच के जनपद की तराई के इलाके की तहसील मासी क्षेत्र, जो हमेशा से बाढ़ पीड़ितों के लिए और बाढ़ के प्रकोप को लेकर सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार ये तहसील वन्य जीव भेड़िए के आतंक का पर्याय बनकर सुर्खियों में दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाजी तहसील के चूड़ामणी ग्राम और उसके पास के कई गांवों में भेड़िए का आतंक छाया हुआ है। क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह के पैतृक गांव सिसैया चूड़ामणी और उसके आसपास के कई गांवों में भेड़ियों के आतंक की वजह से आधा दर्जन से अधिक बच्चों और महिलाओं की मौत भी हो गई है। भेड़ियों के आतंक से हो रही इस दुखद घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वयं सुरेश्वर सिंह अपने क्षेत्र के ग्रामीणों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए बराबर तत्पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी दिखाई दिया कि विधायक जी को बंदूक उठाना पड़ गया और वो अपने साथियों के साथ रात को गश्त करते हुए दिखाई पड़े। भेड़िए के आतंक को देखते हुए जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है और बराबर क्षेत्र में काम भी करते हुए लोगों की सुरक्षा और उनकी सहायता में तत्पर लगी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर फैली इस भेड़िए के आतंक की घटनाओं का जायजा लेने के लिए योगी सरकार के वन राज मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना आज बहराइच पहुंचे। बहराइच पहुंचकर वन राज मंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए ढारस भी बंधाई। वन राज मंत्री ने पीड़ित परिवार के लोगों से स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि आप लोग परेशान न हो, सरकार आप लोगों की सहायता के लिए जो भी संभव हो सकता है मदद करने के लिए बराबर खड़ी है। लेकिन हालात को देखते हुए और जो परिस्थितियां हैं उसके संबंध में एक दिन की हुई घटना पर अपना बयान देते हुए भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। अच्छा खासा लोगों पर हमला किया और 7 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई और हालांकि एक दो मामले द्वारा जांच चल रही है और इसके साथ ही साथ 15 लोग जख्मी हुए हैं। और हम यहाँ लोगों से कह रहे हैं भेड़िए का आतंक ज़रूर है यहाँ, लेकिन डरो मत, हिम्मत से काम लो, मुकाबला करो। और यहाँ पर जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं उनमें दरवाजे लगवाए जा रहे हैं, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट लगवाई जा रही है। और इसके साथ ही साथ जिन घरों में शौचालय नहीं है वहाँ शौचालय का पैसा रिलीज किया गया है। और हम लोगों को ख़ास तौर से कह रहे हैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, अपने बच्चों को अकेला दुकेला मत छोड़ो, रात रात में बच्चे अंधेरे में ना जाएं, घर में दरवाज़ा बंद करके रखो और कुंडी अंदर से बंद करो, खाली दरवाज़ा भेड़ दिया उससे निकाल चलेगा। भेड़िया बहुत चालाक जानवर है, हमें बहुत एहतियात बरतनी है, लेकिन एहतियात के माने नहीं है कि हम लोग अगर खुद लग जाएं तो अकेले दुकेले नहीं जाना चाहिए, कम से कम 3-4 लोगों के झुंड में जाएं, आपस में बात करते हुए जाएं, आवाज़ करते हुए जाएं, और ज़रा भी अगर किसी को कहीं भेड़िए का हो तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। घरों के अंदर मैं जानता हूँ अभी दरवाजे खुले हुए हैं या बाहर खुले में सो, अभी एक हफ्ते भर रुक जाओ, मैं समझता हूँ हफ्ते भर के अंदर ही हमारे भेड़िए पकड़ जाएंगे और आप लोगों की दिक्कत होगी। कितने भेड़िए अभी भी हैं, कितने पकड़ लिए? देखिए 3 पकड़ गए हैं और 3 की और उम्मीद। तो रुपये तो है ना, तो करके बात
के कराए थे, नहीं तो जाओ उसके लिए पहले पहले से तो है ग्राउंड बगल में, लेकिन हम लोग का भी वैसी तरह सरकार का प्रयास रहेगा। समस्या जो खास आ रही है जो आप